दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश भारत के दो जुड़वा राज्य यूपी और बिहार के चर्चे आप तो सुने ही होंगे। और आज की वीडियो में हम आपके सामने यूपी की राजधानी लखनऊ और बिहार की राजधानी पटना को कंपेयर करेंगे। लखनऊ और पटना दोनों ही वाई कैटेगरी के ए क्लासिफिकेशन की शहर है। एक तरफ है लखनऊ इंडिया का 11th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, वहीं दूसरी तरफ है पटना इंडिया का 19th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। एक शहर अपने नवाबी के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरे अपने एंशियंट हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। लखनऊ में पटना के मुकाबले आपको काफी बड़े बड़े बिल्डिंग देखने को मिलेगी, लेकिन जब बात इकोनॉमी की आती है तो पटना 30 बिलियन यूएस डॉलर के साथ 7.7 बिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी वाले लखनऊ से काफी आगे निकल जाती है। आपके मन में यह सवाल तो जरूर आ रही होगी कि दोनों शहरों में से कौन सा शहर ज्यादा डेवलप होगा, कौन सा शहर कितना आगे होगा। तो चलिए लखनऊ और पटना का डिटेल्ड कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन स्टार्ट होने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ शहर के बारे में। नवाबों के शहर के नाम से प्रसिद्ध लखनऊ शहर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट सिटी है। 35 लाख की जनसंख्या वाला लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश का सबसे जनसंख्या वाला शहर है। वहीं यह भारत का 11वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। लखनऊ हमेशा से एक मल्टीकल्चरल सिटी रहा है, जो उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक और कलात्मक केंद्र रहा है। लखनऊ आगरा और वाराणसी के साथ उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क में से एक है, जो राज्य की टूरिज्म को बढ़ावा देती है। कहा जाता है लखनऊ का नाम भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर रखा गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर है। वहीं यह शहर बहुत से ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बना है। ऐतिहासिक रूप से लखनऊ अवध क्षेत्र की राजधानी थी, जिस पर दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य का नियंत्रण था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय शासन खत्म कर दी और शेष अवध के साथ साथ पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 631 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला लखनऊ शहर एरिया वाइज भारत का 5वां सबसे बड़ा शहर है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 5500 लोग निवास करते हैं। लखनऊ अपनी दशहरी आम के किस्म के लिए पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। वहीं लखनऊ चिड़ियाघर देश का सबसे पुराना चिड़ियाघरों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से भी एक है। यह भारत का 17वां सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है। वहीं लखनऊ के हजरतगंज इलाके में आपको ऊपर में एक भी बिजली के तार देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी तार को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। लखनऊ को भारत का दूसरा सबसे खुशहाल जिला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्राइम रेट बहुत ही कम है। इसका मेन कारण है इस शहर में लगे 9000 से भी ज्यादा कैमरे, जो किसी भी शहर में लगे कैमरे से सबसे ज्यादा है। लखनऊ की प्रमुख इंडस्ट्री में एरोनॉटिक्स, एरोमोटिव, मशीन टूल्स, फर्नीचर और चिकन कढ़ाई से बने वस्त्र के काम शामिल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा मार्को पोलो, एक्साइड इंडस्ट्री और टाटा मोटर जैसी कंपनी लखनऊ में अपने प्लांट स्थापित किए हैं। वहीं आईटी कंपनीज जैसे टाटा कंसल्टेंसी, एचसीएल टेक्नोलॉजी यहाँ पे मौजूद है, जो इसका जीडीपी 7.7 बिलियन यूएस डॉलर बनाता है। लखनऊ का लिटरेसी रेट 85.5% है और यहाँ पर बहुत से प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट मौजूद है, जिसमें IIM लखनऊ, IIIT लखनऊ, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सिटी मोंटेरेसी स्कूल, सेंट फ्रांसिस कॉलेज का नाम शामिल है। वहीं लखनऊ शहर में अन्य शहर की तुलना में इस्लाम की जनसंख्या काफी ज्यादा है। यहाँ पर 71.71% हिंदू, 26.36% इस्लाम, 0.76% सिख, 0.58% क्रिश्चियन और 0.59% अन्य जाति के लोग निवास करते हैं। वहीं लखनऊ में लगभग सभी खेलों का क्रेज है। यहाँ पे बहुत से इंटरनेशनल स्टेडियम मौजूद है, जैसे केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 25,000 है, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी 20,000 है, और वहीं सितंबर 2017 में बनकर तैयार इकन्ना इंटरनेशनल स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी 50,000 है। यहाँ पे ये तीनों स्टेडियम लखनऊ के प्रमुख स्टेडियमों में से एक है, जहाँ पे विभिन्न खेलों को आयोजित किया जाता है। लखनऊ का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम लाजवाब है। यह रेलवे, मेट्रो, रोड और वायु मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दो मुख्य नेशनल हाईवे का लखनऊ में इंटरसेक्शन है, NH30 जो उत्तराखंड को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से जोड़ती है, वहीं NH27 जो पोरबंदर को सिलचर से जोड़ती है। लखनऊ में आपको सिटी बसेस, टैक्सी, इंटर बस सर्विस आदि की सुविधाएं मिल जाएगी। लखनऊ में दो बड़े रेलवे स्टेशन मौजूद है और इन दोनों रेलवे स्टेशन का खास बात यह है कि दोनों ही अलग अलग रेलवे जोन्स में आते हैं। लखनऊ चारबाग जो नॉर्थन रेलवे का हेडक्वार्टर है, वहीं लखनऊ जंक्शन
नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आता है। वहीं लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का प्रमुख एयरपोर्ट है, जो भारत का 11वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जहाँ से आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की फ्लाइट आसानी से मिल जाएगी। वहीं लखनऊ मेट्रो एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसने 6 सितंबर 2017 से अपना परिचालन शुरू किया। लखनऊ मेट्रो सिस्टम दुनिया का सबसे तेजी से निर्मित मेट्रो सिस्टम है और यह भारत का सबसे किफायती हाई स्पीड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट है। लखनऊ अपने प्राचीन स्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत से ऐतिहासिक स्ट्रक्चर मौजूद है, जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, अमीनबाद, और इसके अलावा बहुत से घूमने फिरने के स्थान मौजूद है, जैसे जानेश्वर मिश्रा पार्क, अम्बेडकर मेमोरियल पार्क, मरीन ड्राइव लखनऊ और गोमती रिवर फ्रंट साइड। यहाँ पे ऐसे और भी बहुत से घूमने फिरने के स्थान मौजूद है जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पटना शहर के बारे में। पटना भारत के ऐतिहासिक शहरों में से एक है, जिसे बहुत सारे नाम से जाना जाता था, जैसे पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पद्मावती, पुष्पपूरन, और अभी पटना के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि पटना का नाम हिंदू देवता पटन देवी के नाम पे रखा गया है, जिसका प्राचीन मंदिर अभी भी पटना में मौजूद है। पटना बिहार की राजधानी होने के साथ साथ बिहार के सबसे विकसित शहरों में से एक है। पूर्वोत्तर भारत में पटना को कोलकाता के बाद दूसरा सबसे विकसित शहर माना जाता है। 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला पटना शहर, जो इसे भारत का 19वां सबसे बड़ा शहर बनाता है। माना जाता है कि पटना में बिहार के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग निवास करते हैं। पटना बिहार के अन्य जिलों के मुकाबले काफी आगे निकल चुकी है, इसीलिए बिहार के कोने कोने से लोग पटना में निवास करने आते हैं। पटना को विद्यार्थियों का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि बिहार के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ पे तैयारी करने के लिए आते हैं, और बिहार की इकोनॉमी में पटना सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। 2011 की जनगणना के अनुसार पटना की जनसंख्या 25 लाख है। वहीं बिहार राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य पटना में ही होते हैं। पटना से भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी भी गुजरती है। गंगा नदी के अलावे पटना से 3 और नदियां भी गुजरती है, सोन, गंडक और पुनपुन नदी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी पटना की खोज लगभग 490 ईसा पूर्व में मगध के राजा के द्वारा हुआ था। पटना शहर बहुत से एस्ट्रोनॉमर का घर भी रहा है, जैसे आर्यभट्ट और चाणक्य। 19वीं सदी तक यह भारत का मेजर ट्रेडिंग और कमर्शियल हब था। आजादी के बाद ट्रेडिंग में थोड़ी सी गिरावट तो जरूर आई है, लेकिन यहाँ की इकोनॉमी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। पटना पूरे वर्ल्ड में 21वां और भारत में 5वां सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर भी है। वहीं पटना रेल, रोड और एयर मार्ग तीनों रूप से जुड़ा हुआ है। पटना ईस्ट वेस्ट हाईवे कॉरिडोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, तथा पटना से NH30, NH31 और NH2 गुजरती है, जो पटना को रोड का एक अच्छा कनेक्टिविटी प्रदान करती है। वहीं पटना का लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो पटना को देश के बड़े बड़े शहरों से जोड़ती है। पटना में बहुत से रेलवे स्टेशन अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, पर उसमें पटना जंक्शन सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। यह बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। यह दिल्ली कोलकाता मेन लाइन में स्थित है। पटना जंक्शन के अलावा यहाँ 4 और भी बड़े बड़े स्टेशन मौजूद है, जिसमें से राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र जंक्शन, दानापुर और पटना साहिब इसमें शामिल है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं पटना के कुछ प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में। गोलघर, इसे ब्रिटिशर्स द्वारा अपने सैनिकों के लिए अनाज को संग्रह करके रखने के लिए बनाया गया था। अभी यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी बनाया गया है, ताकि गंगा और शहर के नजारों को आप देख सके। इसके अलावा आप सभ्यता द्वार, तख्त श्री पटना साहिब, इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम, जिसे एशिया का लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम होने का दावा भी किया जाता है, इसके अलावा संजय गांधी जैविक उद्यान, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर आदि आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों, लखनऊ और पटना में आपको कौन सा शहर अच्छा लगता है कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आप दोनों शहरों में से किसी भी शहर में विजिट किए हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।